Hi kids, welcome to your SST class. I hope that you all are doing good. So excited to start a new chapter. So children, today we are starting with a new lesson of your book, that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 5 by Brainroot Publications. So in this chapter we are going to start a journey where we would study about our parliament and constitution, यानी भारतीय संविधान और पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? So let's get started. Before we study, there is an activity. See this picture. Can you identify this government building and give some specific information? This is the newly designed Parliament of India. So you have to write about this building, है ना? Parliament के बारे में आपको कुछ lines लिखनी है. So this is something to be done by you. You have to research on it and then you have to write about this. Okay? Parliament. Indian Parliament is an expression of the faith that peoples of India have principles of democracy. यानी Indian Parliament लोगों के लिए एक विश्वास का जगह है, ठीक है? लोगों को लगता है कि Indian Parliament जो है भारतीय संविधान का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण करेगी और बहुत अच्छे से जो है लॉज को ठीक से देखभाल करेगी, ताकि किसी के साथ किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो. दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. यानी कि पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों है इंडिया का, क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जनता खुद ही चुनती है इलेक्शंस के दौरान, यानी वोटिंग करती है और फिर जनता जो है इन्हें चुनती है. द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. लोकसभा 5 साल में एक बार इलेक्ट होता है. ऑलराइट. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्री जो है वो डिवाइडेड है. ये बात हम पहले लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, राइट? द पार्लियामेंट इज़ द मेन फंक्शन टू मेक लॉज एंड रूल्स टू रन द सिस्टम इन अ ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल वे. पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो क्या है? वो है कानून बनाना और ये देखना कि इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, कोई इसको तोड़ नहीं रहा है और कंट्री में हर तरफ सब कुछ ठीक से चल रहा है. ओके, अब हम भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट कंस्टिट्यूटेड और गवर्न. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी संविधान, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक ग्रुप है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री को गवर्न किया जा सकता है. यानी किस तरीके से जो है लोग काम करेंगे, लोगों को क्या अधिकार है क्या नहीं है, गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, कौन किसको क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता, ये सभी चीज़ें जो है संविधान के अंतर्गत आती हैं. यानी हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग सब लोग देश में काम करेंगे, ठीक है, और जिसको सबको मानना पड़ेगा. व्हाट शुड बी दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड दैट हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग बॉडीज और सोसाइटी शुड बी. तो सबसे पहले ये तय किया जाए कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और नहीं होने चाहिए, ठीक है. The Constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of power in a society. यानी society में, समाज में किसके पास कितना अधिकार है, कौन कितना powerful है, ये संविधान तय करेगा. जब हम यहाँ पे अधिकारों की बात करें या power की बात करें, तो यहाँ पे हम duties की और responsibilities की बात करेंगे. जो जितना powerful होगा उसकी responsibility यानी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, right? बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड. हमारे यहाँ पे जो संविधान है वहाँ पे जो लोग हैं वही डिसीजन मेकर्स हैं. कैसे? क्योंकि हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन गवर्नमेंट में बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट में इलेक्ट होंगे, ये सब हम ही चूज़ करते हैं,
ठीक है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड दैट मोस्ट इंस्टेंसेज पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर. हमारा संविधान यही बोलता है कि पार्लियामेंट अपने आप में ही सबसे पहले प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है थ्रू आउट द कंट्री. इफ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एनैक्ट लॉज देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बेस्टाउज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस. दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी. यानी संविधान ये भी बताता है कि सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कौन निर्णय कौन ले सकता है, ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, ये कौन तय कर सकता है, ये भी संविधान ही बताता है. इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरह से गवर्नमेंट की रचना होगी, सरकार कैसे बनाई जाएगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट इज़ RTI विच वॉज लॉन्च्ड इन 2005. द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक बहुत RTI बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है. ठीक है, इसके अंतर्गत हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम डिमांड कर सकते हैं. दिस एक्ट अलाउज पीपल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू. पीपल कैन फाइल एन RTI क्वेरी फॉर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. व्हेन डिपार्टमेंट रिसीव्स अ क्वेरी इट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज. यानी अगर लोगों को किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट संस्था से कुछ क्वेश्चन पूछना है उनके काम को लेके या किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम RTI क्वेरी डाल सकते हैं और जिस गवर्नमेंट संस्था तक वो RTI क्वेरी गई है उसे 30 दिनों के अंदर इस RTI क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, दिस गिव्स द एप्लीकेंट अ चांस टू इंस्पेक्ट द फाइल्स. इट अलाउज द एप्लीकेंट टू टेक फोटोकॉपीज ऑफ द नोट्स मेड इन द फाइल और ही आर श्री विशेज टू फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इस 30 दिन के दौरान जब वो फाइल हैंडओवर की जाती है तब आप फाइल में से नोट्स बना सकते हैं, फोटोकॉपीज कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो आप केस फाइल कर सकते हैं यानी जुडिशियरी की मदद ले सकते हैं, कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और उसको ठीक करने के लिए आप जो है हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं. इन दिस वे RTI मेक्स द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट. इसी की वजह से गवर्नमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंटली वर्क करती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग हमसे सवाल कर सकते हैं और हम आंसर देने के लिए लायबल है, हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. वो भी 2005 में ही लॉन्च हुआ था. इंडिया में औरतों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अब होने लगा है लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड है गया है जहाँ पे औरतों को बहुत कम माना जाता है. इंडिया इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, राइट. अभी भी स्टिल देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे गर्ल्स आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को आज भी पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है. ठीक है, जो बेसिक नीड्स है वो भी कई बार पूरी नहीं होती है. इवन लड़कियों पे कई तरह के अत्याचार भी होते हैं. इन सब को रोकने के लिए या जो औरतें हैं उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लॉन्च किया था. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. यानी कि घरेलू हिंसा से औरतों को बचाया जा सके इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी. ठीक है, इट वॉज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2005 एंड ब्रॉट इन टू फोर्स बाई इंडियन गवर्नमेंट ऑन 26 अक्टूबर 2006. 2005 में इसकी रचना हुई और नेक्स्ट ईयर यानी 2006 से इसको लागू कर दिया गया और इसके अंतर्गत किसी भी औरत के साथ अगर कोई घरेलू हिंसा या शोषण हो रहा है तो वो केस फाइल कर सकती है और अगर ये प्रूफ हो गया तो फिर सज़ा भी मिल सकती है.
The Act protects women from physical, verbal, mental, emotional and economic harm. It also covers harassment by way of unlawful dowry. दहेज के लिए बहुत सारी लड़कियों को जो है टॉर्चर किया जाता है, कई लोगों को तो मार भी दिया जाता है. इन सब से बचाने के लिए ही इस एक्ट को लागू किया गया था. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर वुमेन्स राइट टू लिव इन अ मैट्रीमोनियल और शेयर्ड हाउस होल्ड. ठीक है, कोई भी उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता. ठीक है, स्पेशली शादी के बाद. क्लियर. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम RTE के नाम से भी जानते हैं, ये भी 2009 में लॉन्च हुआ था. भारतीय सरकार का ये मानना है कि किसी भी नेशन का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब उसके बच्चे पढ़े, क्योंकि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. अगर आज बच्चे पढ़ नहीं लेते तो आगे चल के वो जॉब नहीं करेंगे, और अगर जॉब नहीं करेंगे तो फिर पावर्टी लाइन में चले जाएंगे. तो एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए आज अपने बच्चों का जो है भविष्य सुधारें और उनको पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटीज़ दें. राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज़ RTE, वॉज लॉन्च्ड इन 2009. इट एम्स टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप्स ऑफ 6 to 14. यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, चाहे वो कैसे भी हों. ठीक है, अगर वो उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर वो गरीब हैं, तो फिर उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा. इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कई तरह की स्कीम्स लॉन्च की गई हैं. दिस प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन एवरी स्कूल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड और फिजिकल एबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ऑल प्राइवेट स्कूल्स हैव टू रिजर्व 25% सीट्स इन ईच क्लास फॉर पुअर चिल्ड्रन. यानी कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे 25% सीट्स जो हैं वो गरीब बच्चों के लिए अलग से रिजर्व्ड रहेंगे, जिनको फ्री एजुकेशन देंगे. यानी इसके लिए स्कूल उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर सकता. द एक्ट ऑल्सो बैन्स डोनेशन एंड इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फॉर एडमिशन इन एनी स्कूल. द RTE एक्ट 2009 ऑफर्स प्रोविजंस फॉर स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल. इसके जो जिन बच्चों ने स्कूल की एजुकेशन बीच में ही बंद कर दी थी, वो लोग भी चाहे तो वापस से स्कूल में एनरोल होके अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज डन इन 1992. देखो, भारतीय संविधान जो है आज़ादी के बाद, यानी 1947 के बाद 50s में लिखा गया था. उस जमाने में जो चीज़ें थीं और आज जो चीज़ें हैं उसमें बहुत फ़र्क आ गया है. तो बदलाव की हर जगह ज़रूरत होती है. ऐसे कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन आज उनकी ज़रूरत नहीं है, आज नए लॉज की ज़रूरत है. तो हम टाइम टू टाइम भारतीय संविधान में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं बदल सकते, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं. और ये जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो किए जाते हैं बेटरमेंट के लिए, उनको हम अमेंडमेंट बोलते हैं. ठीक है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और बेहतर बनाने के लिए ये चेंजेस किए गए थे 1992 में. द एक्ट एम टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम एंड इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ पंचायत आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन. पहले पंचायत में, यानी गाँव का जो पंचायत होता था, उसमें औरतों का कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब 1/3 हिस्सा जो है वो औरतों के लिए रिजर्व किया जाता है. यानी पंचायत में एक औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर पंचायत्स टू बी इलेक्टेड एट 3 लेवल, दैट इज़ विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. ऑलराइट, एट फर्स्ट टायर इज़ द विलेज लेवल. सबसे नीचे आता है विलेज लेवल, जिसको हम पंचायत को ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं. ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो विलेज यानी गांव के लोग अपने आप ही वोट करके इलेक्ट करते हैं. ठीक है, सेवरल ग्राम पंचायत फॉर्म्स अ पंचायती समिति. यानी बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति बनाएगी. ऑलराइट, और ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और बहुत सारी पंचायती समितीज एक साथ आकर
जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले एक गांव में विलेजर्स ने ग्राम पंचायत बनाया, ऐसे ही बहुत सारे गांव के जो ग्राम पंचायत है उन लोगों ने मिलकर पंचायत समिति बनाई, और बहुत सारी पंचायत समितीज ने मिलकर जिला परिषद बनाया जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होता है। इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑलराइट, सो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन हैंड इन हैंड वर्क करता है ताकि प्रॉपर तरीके से जो है गवर्नमेंट काम कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े इज द पार्लियामेंट द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे लोग अपना मत दे सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और अपने ओपिनियन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं और राज करते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ पर्टिकुलर कंट्री शुड बी गवर्न्ड और अ स्टेट इज रन। फंडामेंटल राइट्स द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स, यानी हर सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स या सुविधाएँ मिली हैं भारतीय संविधान की तरफ से। ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द प्रिंसिपल लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, है ना, पार्लियामेंट ही लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज लॉन्च इन 2005 जो हमें ये अलाउ करता है कि किसी को अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए पिटिशन फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन अपील डाल सकता है। ओके, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो वॉज लॉन्च इन 2005, ये घरेलू हिंसा से औरतों को बचाता है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दैट इज RTE वॉज लॉन्च इन 2005, इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज लॉन्च इन 1992 ताकि पंचायती राज सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। पहले वोमेन का बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था, अब 1/3 सीट्स आर रिजर्व इन द पंचायती राज सिस्टम फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, एक एक करके हम टिक करेंगे। ऑल राइट, फर्स्ट वन, लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी डैश ईयर, 6 years, 5 years, 7 years, 2 years, सो 5 years इज द राइट आंसर, तो 5 को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द सीट्स इन पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन नाउ, है ना, अब हो गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद 1/3 हिस्सा जो है औरतों के लिए रिजर्व्ड है पंचायती राज सिस्टम में। थर्ड, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्ट्रेंथेन्ड द पंचायती राज सिस्टम, 73rd, ठीक है, 73rd। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स। द कंट्री इज डिवाइडेड into numerous constituencies, ठीक है, और इसमें हम states and territories भी डाल सकते हैं, both are correct, ठीक है, clear? Second, dash is one single party, dash is a one single party. So parliament is one single party, right? Third, dash makes the government transport नहीं बेटा, यहाँ transparent आना चाहिए, dash makes the government transparent and efficient. So RTI के through government जो है काफ़ी ज़्यादा transparent और efficient हो जाता है। Protection of Women from Domestic Violence Act was enacted by the Parliament of India in 2005. The 73rd Constitutional Amendment was passed in 1992. Clear? So with this we have done the fill in the blanks. Now let's come to the true and false. State whether the following statements are true and false. Parliament is a body of fundamental principles. Yes, this is true.
बिल्कुल सही है, ट्रू है. सेकेंड, द पार्लियामेंट्स मेन फंक्शन इज टू मेक लॉज एंड रूल्स, ट्रू. आरटीआई एम्स एट प्रमोटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, नो. आरटीआई यहाँ पे गलत है, आरटीई होता है, सो दिस इज फॉल्स. आरटीआई तो इंफॉर्मेशन देता है, आरटीई एजुकेशन के लिए है. फोर्थ, 76th अमेंडमेंट एक्ट कंसर्न्स पंचायती राज, नो. यहाँ पे 76th गलत है, यहाँ पे 73rd आना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू एनईपी, फ्रॉम द एज ऑफ 3 years चिल्ड्रंस कैन बी अ पार्ट ऑफ ECCE, सो दिस इज ट्रू. ऑलराइट, सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल. ऑलराइट, सो with this we are done with your book, that is Jelly Bean Journeys. In this book we have covered a number of topics of your SST section. We studied about globes, longitude, latitudes, different kinds of forests, different kinds of heat zones. We have also studied about history, how writing was invented. Then we came across how government works, and a constitution works, parliament works. All these things we have come to know in this book. We have also known about the famous World Heritage Sites and about United Nations. So many topics we have covered in this book. I hope you have enjoyed the journey while studying this particular book. So I will meet you again with something new and interesting someday. So take care and stay tuned for the new videos. Bye bye and take care.